हाँ तो भाई ये है पोको X6 5G। पिछले एक महीने से मैंने इसे रगड़ रगड़ के यूज़ किया हुआ है, क्योंकि भाई जो मेरा स्क्रीन ऑन टाइम है वो 10-10.5 घंटा के आसपास चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि मैंने इस फोन को कितना रगड़ा हुआ है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में पूरा शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इस दरमियान मुझे 2 अपडेट भी इशू हो चुके हैं। तो अपडेट से क्या कोई इशू आया है, मदरबोर्ड में कोई डेट आया है या फिर हीटिंग इशू कोई आई है, मतलब सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए 22,000 में 8256 जो उसका बेस वेरियंट आता है वो आपको देखने को मिल जाता है। ऑफर लगाने के बाद में आपको फोन 20,000 में पड़ जाएगा। तो भैया 20,000 आपको इसके ऊपर खर्चा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, चलिए आपके पैसे बचाना है या फिर खर्चा करना है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे हमें प्लास्टिक का बैक देखने को मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाता है और बॉक्सी टाइप का डिजाइन लैंग्वेज फॉलो कर गया। हालांकि देखिए मैंने इसे ब्लैक कलर में परचेज किया हुआ है, तो एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे हमें ग्लॉसी बैक पैनल देखने को मिलता है। तो जो हाथ है ना ये बहुत जल्दी यहाँ पे फिंगरप्रिंट लग जाते हैं और अपनी तरफ डस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हालांकि इसका एक व्हाइट कलर ऑप्शन भी आता है, तो अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो। मुझे पर्सनली ब्लैक वाला पसंद आता, इसके लिए मैंने ब्लैक वाला लिया। देखिए ब्लैक वाला मैंने ले लिया तो इसमें मैंने जो है लेमिनेशन करा दिया मैट फिनिशिंग के साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं आता, मेरा अभी तक ठीक चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं आई। तो आपको भी अगर ब्लैक वाला परचेस कराते हो तो यहाँ पे लेमिनेशन आपको करा लेना। हालांकि देखिए डब्बे में जो यहाँ पे बैक कवर देखने को मिल जाता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप जो बैक कवर अगर फोन पे चढ़ाते हो तो भाई फोन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल लगेगा, एकदम हल्का फोन लगेगा, क्योंकि इसमें हमें 5100 mAh की बैटरी देखने को मिल जाए, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। फ्रंट से बात करते हैं तो भाई 20,000 में कोई दूसरा कंपनी का फोन हमें इतनी अच्छी डिस्प्ले प्रोवाइड ही नहीं करता है। 6.67 इंच की एक 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में 120Hz फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। सेंटर में पंचोल कैमरा, कट और नोच, HDR10 का सपोर्ट और वाइड वन L1 सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। मतलब आपको मूवीज और वेब सीरीज के लिए आपको एक बढ़िया भाई कोई फोन चाहिए, आपके लिए डिवाइस वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। हाँ भाई 20,000 के हिसाब से इससे अच्छी डिस्प्ले और कोई दूसरी फोन के लिए एकदम चुम्मेश्वरी डिस्प्ले भाई, इसकी बहुत ज़्यादा मजा आता है। हालांकि देखिए यहाँ पे HDR10 का सपोर्ट तो देखने को मिल जाता है, बट ना ही YouTube में और ना ही हमें Netflix में अभी तक HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिला। अब क्या पता फ्यूचर में मिल जाए, बट अभी इस टाइम पे कोई अपडेट नहीं मिला हुआ। बात करें सेंसर्स के बारे में तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट से एक्यूरेट है, 10 में 10-10 बार काम कर जाता है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। और भाई इसमें जो हैप्टिक फीडबैक दिया गया ना टक टक वाला देगी, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा शानदार कर देगा। सन लोग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 3.5 mm jack, डुअल स्टोरेज स्पीकर, डुअल माइक यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें जो आयर ब्लास्टर जो आप टीवी ओवी ये सब कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे नीचे जो है टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, डुअल स्टोरेज स्पीकर, यहाँ पे हमें जो डुअल सिम कार्ड का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, कोई भी माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। हल्की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेस वेरिएंट हमें 256 GB वाला स्टोरेज ही देखने को मिल जाता है। हमें डुअल स्टोरेज स्पीकर के साथ में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो भाई ओवरऑल बात करें तो भाई यहाँ पे जो स्पीकर वो भी बहुत ही ज़्यादा तगड़े क्वालिटी वाला हमें देखने को मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर, यूफोस 2.2 की स्टोरेज टाइप और LPDDR4X की रैम टाइप देखने को मिल जाता है। अब देखिए एंटूटू बेंचमार्क की बात करें तो नियरली यहाँ पे 6 लाख के आसपास देखने को मिलता है। CPU थ्रोटलिंग में हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाता है और रीड एंड राइट स्पीड भी हमें ठीक ठाक, हालांकि यहाँ पे यूफोस 3.1 होता तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता, बट 2.2 ही देखने को मिलता है। अब देखिए जब मैंने ये फोन को अनबॉक्स किया था तब से लेकर अभी तक मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला, वो हीटिंग इशू। जब मैंने उस टाइम फोन परचेस किया था तो शुरुआत के 15-20 दिन तक फोन बहुत ज्यादा हीट हो रहा था, लिटरली थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था तब पर भी ये फोन बहुत ज्यादा हीट कर रहा था। अगले कुछ 5 से 6 दिनों में थोड़ी हीटिंग इशू कम हुई, ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम से पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी, बट अगले 5 से 6 दिनों में जब एक नया अपडेट आया था उसके बाद में थोड़ा कम हुआ। पहले जहां पे 25-30 मिनट में हो जाता था वही बढ़ के 1-1.5 घंटा हो चुका। तो धीरे धीरे क्या पता भाई अपडेट के थ्रू से फिक्स कर दिया जाए, बट अभी तक भाई मेरे में इशू आ रहा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना, मैंने बहुत सारे लोग से पता किया तो उनके यूनिट में ऐसा इशू नहीं आ रहा है, बट बहुत लोग ऐसा भी बोले कि भाई मेरे यूनिट में आ रहा है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। और ओवरऑल यहाँ पे हमें जो है HD 60fps तक का BGMI में सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब देखिए अगर एक प्रॉपर गेमर हो, आपको भाई गेमिंग ही करना है फोन में, तो आपके लिए पोको X6 प्रो बेटर होगा, उसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा सब कुछ देखने को मिलता है। बट अगर आपको कैजुअल से गेमिंग करनी है दिन भर में ऐसे ही, मतलब मन करने के लिए भाई 1-2 घंटा खेल लेना है, आपको कोई हैवी वाला नहीं करना है, तो आप आराम से सारे काम कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी यूज़ करना चाहो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डेली टू मल्टीटास्किंग सारे काम आप कर सकते हो। अब देखिए इसमें हमें जो है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 देखने को मिलता है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, इसमें और रेडमी के फोन में दोनों में MIUI देखने को मिलता है, बट जो MIUI होता है वो रेडमी के फोन्स में ज्यादा अच्छी तरह से कस्टमाइज होता है। इसमें हमें पोको लॉन्चर देखता है ना, तो पता नहीं कि जो है ना बहुत, मतलब एक कहीं ना कहीं लैगिनेस लगता है। अब जैसे अगर कभी वॉलपेपर चेंज करते हो तो यहाँ पे ये थोड़ा जो है ना रीलोड लेने लगता है, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। फिर ऐप ओपनिंग कभी कभी अजीब लगने लगता है, मतलब आपको थोड़ा स्लो फील होगा।
सेम प्रोसेसर हमें जो है Redmi Note 13 Pro में भी देखने को मिलता है, बट वहाँ पे एकदम बढ़िया चलता है भाई। जिसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये Redmi Note 8 Pro, कभी कभी तो मुझे ये अच्छा लगने लगता है, ये खराब लगने लगता है। तो नो डाउट भाई ये पोको लॉन्चर का दिक्कत है, भगवान करे भाई इसमें थोड़ा अपडेट दे इसे फिक्स करें, क्योंकि अगर आप कोई हैवी फोन से यहाँ पे शिफ्ट करोगे ना तो आपको लेगनेस महसूस होगी, जैसे मुझे यहाँ पे लेगनेस महसूस हो रही तो भाई आपको भी यहाँ पे महसूस होने वाली, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। हालांकि 3 महीने OS का अपडेट, 4 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा, और लगभग समझ सकते हो अगले 1 महीने यानी मार्च के एंड तक हमें जो इसमें हाइपर OS का अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब ये जो थोड़ा ना स्मूथ लो लगता है, बट कभी कभी जो होता है ना पोको लॉन्चर की वजह से आपको थोड़ा स्लो फील होगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम हैंग हो चुका है। तो मेरे साथ में ऐसा एक दो बार इशू हुआ है, अगर फ्यूचर में अपडेट के साथ में फिक्स कर दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, एड्स और ब्लूटूथ भर भर के मिलेंगे, हमने एक वीडियो बनाया हुआ जहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे आपको फर्स्ट टाइम सेटअप करना है, कैसे ब्लूटूथ और जो एड्स और सारा बंद कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस क्या है, आई बटन में जाकर वीडियो चेकआउट कर लीजिए। अपनी जिंदगी के भाई 2-3 मिनट आपको देना है और आपका यूज करने का एक्सपीरियंस बहुत शानदार हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे कोई फालतू का ऐप नहीं है, सब जो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और भाई लिटरली बहुत सारे ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। अगर बैटरी और चार्ज के बारे में, तो यहाँ पे 5100mAh की बैटरी देखने को मिलता है और 67W का चार्जर डब्बे में देखने को मिलता है। अब समझ सकते हो 40 मिनट के आसपास में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा और एक दिन निकाल देगा। हाँ, समझ सकते हो, देखिए स्क्रीन ऑन टाइम तो इन्होंने हटा ही दिया हुआ, बट मैंने यहाँ पे जुगाड़ लगाया, मैंने सोचा यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम से देखा जाए, तो आप समझ सकते हो 6 घंटे के आसपास, 6-6.5 घंटे के आसपास यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया। हाँ, मूवी वूवी वेब सीरीज देख रहा था उस सिनेरियो में, अगर आप गेमिंग करते हो तो भाई तब ज़्यादा ड्रेन होगा। लेकिन जो मैं मूवी देख रहा था तो मैं नेटफ्लिक्स से देख रहा था, तो उस टाइम पे नेट भी चालू था, फिर ब्लूटूथ से ईयरफोन्स कनेक्ट किया हुआ था नेकबैंड, तो उस हिसाब से भाई 5-5.5 घंटा 6 घंटे के आसपास मिला, तो कोई खराब नहीं है। हालांकि कभी कभी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, तो ये भी एक अपडेट के थ्रू अगर यहाँ पे फिक्स करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखिए फोन ऐसा ना, अगर आप दिन में एक बार चार्ज करते हो चले जाते हो तो आपको रात में चार्ज करना पड़ेगा, मतलब आपका एक दिन तो आराम से निकाल देगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब आप सोचो 1.5-2 दिन में इस फोन चला लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक में 64MP का ट्रिपल कैमरा, 64MP का मेन, जहाँ पे OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, यहाँ पे 2MP का डेप्थ देखने को मिलता है, फ्रंट में 16MP की सेल्फी है। बात करें यहाँ पे बैक की फोटोज के बारे में, तो जैसे कि आप देख लो फोटोज की क्वालिटी हमें बढ़िया देखने को मिल जाती है, कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छा खासा मैनेज किया गया, HDR भी अच्छा खासा मैनेज किया गया, मतलब ठीक ठाक है, फोटोज की क्वालिटी हमें बढ़िया देखने को मिल जाती है, ठीक ठाक डिटेल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। भाई कैमरा इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा लेंस दिया हुआ है, अच्छा है जो मतलब इन्होंने कवर प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये प्रोटेक्ट अच्छी तरह से कर देता है, तो ज़्यादा यहाँ पे कोई स्क्रैच उसके सामने की दिक्कत नहीं रहेगी। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि आप देख लीजिए। हाँ, तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो ये 4K 30fps में वीडियो शूट हो रहा है, जैसे कि आप देख ही सकते हो इतना ज़्यादा आपको स्मूथनेस यहाँ पे हालांकि नहीं मिलेगा, OIS देखने को मिल जाता है बट उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक ठाक है, काम भी आपका चल जाएगा। बात करते हैं फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट की फोटो की क्वालिटी की बात करें तो बढ़िया फोटो आ रहा है। हाँ भाई 16MP के हिसाब से फोटो की क्वालिटी बढ़िया आती है, यहाँ पे भी कलर रिप्रोडक्शन अच्छी तरह से मैनेज किया गया। अब देखिए अगर आप एकदम धूप में खींचते हो ना तो थोड़ा आपको HDR कम लगेगा, हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा कम मैनेज किया गया, कहीं फोकस कर ले रहा है, कहीं फोकस कर रहा है, तो आपको थोड़ा इशू आएगा। बट ऐसा ना कि अगर आप कहीं फोटो क्लिक कराते हो तो सिनेरियो में अगर ज़्यादा ठीक ठाक लाइट रही है, डायरेक्ट जो सूर्य के प्रकाश के आपको ऊपर नहीं गिर रहा है, सनलाइट आपको ऊपर नहीं गिरी, तो आपके फोटोज ठीक आने वाली है। वीडियो की क्वालिटी की बात करें तो जैसे कि आप देख लीजिए। हाँ, तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो 1080p में 60fps में शूट हो रहा है, इसलिए ठीक ठाक मैनेज कर ले रहा है, हल्का कुछ आपको थोड़ा दिक्कत लगेगा बट ओवरऑल फ्रंट में वीडियो की क्वालिटी मुझे बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल बात कीजिए भाई, देखिए 20,000 के हिसाब से मैं एक बैलेंस का कैमरा वाला फ़ोन इसे बोलूँगा, नहीं बहुत ज़्यादा खराब, नहीं बहुत ज़्यादा घटिया कि भाई आपका 20,000 डूब जाए, ऐसा नहीं है, एक ऑलराउंडर ठीक ठाक हमें यहाँ पे कैमरा सेटअप वाला फ़ोन देखने को मिल जाता है। ध्यान रखना है कि ये मतलब कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं, अगर आपको डेडिकेटेड कैमरा के लिए फ़ोन ही चाहिए तो आपको अलग फ़ोन देखना पड़ जाएगा। बट अगर आप सोचते हो थोड़ा थोड़ा करके मुझे सब कुछ मिल जाए, थोड़ा अच्छा डिस्प्ले तो भाई सबसे अच्छा, थोड़ा क्या भाई सबसे अच्छा डिस्प्ले मिल जाए, ठीक ठाक प्रोसेसर मिल जाए, ठीक ठाक UI देखने को मिल जाए, ठीक ठाक कैमरा मिल जाए, तो उस हिसाब से भाई 20,000 के हिसाब से आप ये फोन ले सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। देखिए यहाँ पे हमें जो 5G भी देखने को मिल जाता है, 5G इंस्टेंट चलता है, हाँ VoNR का भी यहाँ पे अपडेट नहीं है और फ्यूचर में आ जाएगा, वोल्टी चलता है। अब देखिए अगर आप कॉल करते हो ना, ठीक है यहाँ पे अगर जैसे आप कॉल लगाते हो तो यहाँ पे ऐसा इशू आ रहा है कि भाई फॉक्सीमेट्री सेंसर इसमें बोलते नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको इधर ही कॉल लगा के बता देता हूँ, ये मोशन डिटेक्ट करता है। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ऐसा फोन लगा दिया और अब देखिए बंद हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, देखिए ये देखिए बंद हो गया,
देखिए बंद हो गई। तो यहाँ पे जो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर है ना, ये आपका जो मोशन कैप्चर करता है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा। 5G से 4G पे जाएगा जैसे आपको लगाते हो, फिर वापस 5G पे शिफ्ट कर देगा। कॉल ड्रॉप की इशू मुझे कहीं देखने को नहीं मिली, नेट भी मेरा जबरदस्त चल रहा है। तो ओवरऑल भाई 20,000 के हिसाब से अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो आप ले सकते हो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, मदरबोर्ड भी भाई दो अपडेट आ चुका है, मदरबोर्ड भी अभी तक मेरा अपडेट नहीं हुआ है। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुन जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसे एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।